मैं चैनल लाइव मन्नत और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ फादर्स डे क्राफ्ट। तो चलिए हम शुरू करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर दिस क्राफ्ट। सबसे पहले वाइट शीट लेनी है हमने और उस पर कलर शीट को मार्क कर देना है, मींस वाइट शीट जो हमने फोल्ड की है कार्ड की शेप में उसको हमने कलर शीट पे सेम साइज मार्क कर देना है। उसके बाद हमने नीचे से 2 सेंटीमीटर लेने हैं और 1 सेंटीमीटर लेने हैं जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा है। ऊपर से भी और नीचे से भी 2 सेंटीमीटर्स ले लिए और 1 और 2 सेंटीमीटर्स के बीच में एक 5 आता है उसको हमने लेना है। और जो वो 5 है वो हमारा मेन पॉइंट है, मीन्स वो 1.5 को हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमने उस शीट को कट कर देना है। एंड दो दूसरा साइड था उसको हमने सेव करके रख देना है। फिर उसके बाद हमने अपना बेस बनाना है तो वाइट शीट के ऊपर हम कलर शीट को पेस्ट कर देंगे ग्लू की हेल्प से। मैंने फेविस्टिक लिया, आप कोई भी टाइप की ग्लू ले सकते हैं बट ऐसे ग्लू होने चाहिए जो शीट के पीछे चिपके ना। एंड देन मैंने लिया अपना वेस्ट पेपर जो हमारा दूसरा साइड पड़ा था हमारे सेम शीट कलर का, तो मैंने वो लिया है और उस पर मैंने अपनी स्केल के साइज़ का ड्रॉ कर दिए लाइन। फिर अब हम 2 सेंटीमीटर्स लेंगे। अब 2 सेंटीमीटर्स लेने के बाद एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो जो 2 सेंटीमीटर्स वाली लाइन है उसको ही हम कट करेंगे ना कि जो दूसरी लाइन है पतली सी। उसके बाद हमने कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है, ऐसे हम उसको फोल्ड कर देंगे और दोनों की एक ही शेप में कट कर देना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा और हमने कॉलर रेडी कर लेना है। तो कुछ इस तरह से हमारा कॉलर जो है वो रेडी हो चुका है हमारे कोट के लिए, मींस कार्ड कोट के लिए। तो अब देखो हमारी जो कलर शीट है वो कितनी प्लेन दिख रही है, जो कलर शीट है वो कितनी प्लेन दिख रही है ना। तो इस पर मैं जैसे मेरी लाइट ब्लू कलर की शीट है तो मैं डार्क ब्लू कलर मार्कर से कर दूँगी, कुछ लाइंस ड्रॉ कर दूँगी और 1-1 गैप छोड़ के हमें पॉइंट्स बना देने हैं 5-6। और ये मैंने डिज़ाइन रखा है जो है कि एक लाइन पतली होगी और एक लाइन मोटी थोड़ी सी, तो इसलिए मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया। आप कोई भी टाइप का डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, आप हार्ट्स चूज़ कर सकते हैं, स्माइलीज चूज़ कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। एंड जो हमारा कॉलर है अब उसको हम पेस्ट कर देंगे, सिर्फ बैक से पेस्ट करना क्योंकि हमने अभी टाई भी बनानी है और उसको चिपकाना भी है। तो टाई बनाने के लिए मैंने लिया एक पर्पल कलर की शीट जो इसके साथ बहुत मैच कर रही थी। एंड देन उसको मैंने फोल्ड कर दिया सेंटर से और मार्कर की हेल्प से मैं टाई की शेप दे रही हूँ। आफ्टर इट हम उसको कट कर लेते हैं और कट करने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम इसको हम सारी चीज़ों को हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे जैसा हो रहा है वैसे ही आपने पेस्ट करना है। अब हमारे टाई को भी थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं छोटा सा वाइट सर्कल के साथ। अब हमारा कॉलर भी थोड़ा फीका सा लग रहा था तो मैंने उसको भी ब्लू सेम मार्कर से आउटलाइन कर दिया। अब मैं एक बैलून बनाऊंगी, मींस क्लाउड बनाऊंगी और क्लाउड को कट करने के बाद उसके अंदर लिखेंगे हैप्पी फादर्स डे कलरफुल मार्कर्स के साथ कुछ इस तरह से। और अब मैंने क्या किया है, अब मैंने जो कॉर्नर्स हैं मीन साइड्स हैं बाउंड्रीज हैं उनको भी ब्लैक कलर से कलर कर दिया है और येलो कलर से डॉट डॉट्स बना दिए। एंड फिर ग्लू स्टिक की हेल्प से मैंने साइड में कॉर्नर पे पेस्ट कर दिया और कुछ इस तरह से मैंने छोटी छोटी वर्डिंग्स लिख दी हैं अच्छी सी, तो आप भी ऐसे लिख सकते हैं।
कॉपी भी कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ लिखा है ओ माई डियर डे, बट वहाँ डैड आना चाहिए था, जो एंड में मैं ठीक कर दूँगी जब मुझे पता लगेगा। तो चलिए अब हम रीड करते हैं और देखते भी हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कैसा है। तो कुछ इस तरह से दिख रहा है हमारा, और आप भी ऐसे कलरफुल थिंग्स बना सकते हैं जिससे आपके डैड बहुत खुश हो जाएंगे। तो चलिए अब हम इसको रीड करते हैं। हैप्पी फादर्स डे, अगेन मैंने थोड़ा ब्रॉड लिखा है। हैप्पी फादर्स डे लव, रोजेज आर रेड स्काई इज ब्लू ओ माई डियर डे। तो अभी मैं इसको चेंज करूँगी, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इसको चेंज करने लगी हूँ डैड में। तो आई लव यू माई फीलिंग्स हार्ट्स टू हार्ट्स के बीच में। यू आर द बेस्ट इन वर्ल्ड, हार्ड वर्कर, नाइस एंड स्वीट, बी हैप्पी एंड कूल, थैंक यू फ्रॉम मन्नत एंड काश्री।